आज हम सीखेंगे एंड्रॉयड में एसक्यूलाइट डेटाबेस का बैकअप कैसे क्रिएट करते हैं। सबसे पहले एक बटन क्रिएट करेंगे, बैकअप डेटाबेस। उसके ऑन क्लिक फंक्शन में एक फंक्शन ऐड करेंगे, कॉपी फाइल्स। अब एक नया फंक्शन क्रिएट करेंगे, क्रिएट फाइल। तो क्रिएट फाइल के अंदर हम जो है ओपन फाइल डायलॉग का यूज करेंगे। सबसे पहले ब्लैंक फाइल को क्रिएट करेंगे, उसके बाद हम उसे एडिट करेंगे। तो इंटेंट का यूज करेंगे हम इसमें, इंटेंट डॉट क्रिएट डॉक्यूमेंट। क्योंकि हम डॉक्यूमेंट को क्रिएट करेंगे, पहले एक्शन क्रिएट डॉक्यूमेंट। इंटेंट डॉट ऐड कैटेगरी, अब कैटेगरी ऐड करेंगे इसमें, तो इसकी कैटेगरी है इंटेंट कैटेगरी डॉट कैटेगरी ओपनेबल। पहले हमने डॉक्यूमेंट क्रिएट किया, उस डॉक्यूमेंट को हम ओपन करेंगे और इंटेंट के थ्रू हम जो है उसका पाथ लेंगे। इंटेंट डॉट टाइप, अब हम जो है फाइल टाइप जो क्रिएट करेंगे, जो फाइल हमने यहाँ पे क्रिएट करनी है, एप्लीकेशन डीबी, यानी डेटाबेस टाइप हमारी फाइल है। एक्स्ट्रा का यूज करेंगे हम, तो पुट एक्स्ट्रा में क्या करेंगे हम, जब ये इंटेंट खुलेगा तो कुछ इंफॉर्मेशन पहले से उसमें, इसमें हम यूज करेंगे टाइटल इंटेंट एक्स्ट्रा टाइटल, अब यहाँ पे लिखेंगे हम फाइल नेम, जो भी हम फाइल नेम देना चाहते हैं, तो हम देंगे टेस्ट अंडरस्कोर डीबी, यानी हम बैकअप बनाना चाहते हैं टेस्ट डीबी नाम से, ये फाइल वहाँ पे क्रिएट होगी। अब बनाते समय हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, पर जो टाइटल हमने सेट कर दिया वो वही टाइटल यहाँ पे दिखेगा। अब यहाँ पे हम जो एक्टिविटी लॉन्चर यूज करेंगे, कॉपी एक्टिविटी रिजल्ट लॉन्चर को हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे एक, और यहाँ पे लॉन्च कर देंगे डॉट लॉन्च। अब यहाँ पे इंटेंट को पास कर देंगे, अभी हम एक्टिविटी लॉन्चर के अंदर कोड लिखेंगे, लेकिन उससे पहले हम जो है एक फंक्शन क्रिएट करेंगे, कॉपी करने का फंक्शन, जो फाइल को कॉपी करेगा उसको डायरेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। तो कॉपी src सोर्स फाइल,
अब URI क्या है, डेस्टिनेशन फाइल। तो URI हमें रिसीव होगा जो भी हमने यहाँ पे इंटेंट क्रिएट किया है, क्रिएट फाइल के अंदर जो URI हमें प्राप्त होगा वो URI यहाँ पे पास हो जाएगा। और यहाँ पे फाइल डिस्क्रिप्शन है, कंटेंट रिजॉल्वर का यूज करेंगे। अब मोड रखेंगे W, थोड़ा इफ चेक करेंगे फाइल एग्जिस्ट है नहीं है। तो ये माय फाइल जो है, माय फाइल हमें ये माय फाइल का पाथ मिलेगा हमें जो हमने फाइल क्रिएट की थी, तो ये मिलेगा क्रिएट डेटाबेस के अंदर। तो माय फाइल में हमें माय फाइल का पाथ, जो सोर्स फाइल है हमारी, वो हम यहाँ से रिट्रीव करेंगे। ये FIN क्या है, ये इनपुट स्ट्रीम है, फाइल इनपुट स्ट्रीम, इसका हम कुछ भी नाम रख सकते हैं, फिलहाल हमने FIN रख दिया। और आउट जो है आउटपुट स्ट्रीम है, बाद में इनको फ्लश कर देना चाहिए। अब कोड लिखेंगे हम कॉपी एक्टिविटी रिजल्ट लॉन्चर के अंदर, इंटेंट से जो रिजल्ट हमें प्राप्त होगा तो वो एक्टिवेट होगा यहां पे। इफ रिजल्ट डॉट डेटा नॉट इक्वल नल, यदि डेटा नल नहीं है तो यहां पे हमारा कोड एग्जीक्यूट होगा। अब URI हम यहां पे लेंगे, URI हमें मिलेगा रिजल्ट डॉट डेटा से। इसको ट्राई कैच के अंदर लिखेंगे हम, एरर आएगा जो वो मैसेज में हमें शो होगा। अब ये कोड फिलहाल तो हमने मेन थ्रेड के अंदर लिखे हैं, लेकिन जब फाइल बड़ी होगी तो इसे बैकग्राउंड थ्रेड के अंदर लिखना पड़ेगा, नहीं तो मेन थ्रेड जो है बिजी हो जाएगा। अभी फाइल छोटी है इसलिए तो हमने मेन थ्रेड के अंदर ही इसको लिख दिया है। अब कैच में हम डेटा पास करेंगे तो कैच में हमारा e.io एक्सेप्शन, इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन जो भी आएगा अब उसको यहां पे शो कर देंगे। अब ये हमारा कोड है, इसको एक बार फिर से ट्राई कर लेते हैं। अब यहाँ पे जो हमने कॉपी फाइल्स बनाई थी इसका लिंक हमने दिया था बटन के साथ, डेटा क्रिएट डेटा बैकअप बटन के साथ। इस क्रिएट फाइल को यहाँ पे, इस फंक्शन को यहाँ पे पास कर देंगे फिर, यानी जब कॉपी फाइल कोई क्लिक करेगा तो एक क्रिएट डेटाबेस यहाँ पे फंक्शन रन होगा, क्योंकि कॉपी फाइल हमने बटन के साथ ऐड किया है, बैकअप बटन के साथ। अब ये कोड है, कोड हमने क्या क्या लिखा हुआ है,
अब एप्लीकेशन को रन करेंगे तो एप्लीकेशन हमारा रन हो चुका है। तो पहले देखते हैं कि डेटा में, हाँ लिंक हो गया हमारा, डेटा शो कर रहा है डेटाबेस। अब बटन बैकअप डेटाबेस बटन को क्लिक करेंगे तो फाइल डायलॉग हमारे पास खुल चुका है। तो अब हम इसको सेव करेंगे, किसी नई लोकेशन पर सेव करते हैं, इसे कहीं भी कर सकते हैं, एसडी कार्ड के अंदर भी सेव कर सकते हैं, फ़ोन के अंदर कहीं भी सेव कर सकते हैं। तो अभी हम डाउनलोड फोल्डर के अंदर सेव करते हैं इसे। तो ये डाउनलोड फोल्डर ये रहा। तो अभी टेस्ट टीवी को सेव बटन को क्लिक करते हैं, राइट। तो हमारा फाइल सेव हो चुकी है। अब ऐसा करते हैं, इसे चेक करते हैं कि ये फाइल हमारी वास्तव में सेव हुई या नहीं हुई। तो जाते हैं फिर फाइल्स के अंदर जाएंगे। तो फाइल्स खुल चुकी है। तो हमारा ये टेस्ट डीवी यहाँ पर क्रिएट हो चुका है 188 KB का। तो ये हमारा परफेक्टली वर्क कर रहा है।